हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे वो टॉपिक रहा एवरेज काउंट ये एवरेज काउंट जो होता है ना रीम प्रेम का एवरेज काउंट कैसे निकाला जाता है सब लोग तो कैलकुलेशन कर लेते हैं लेकिन प्रोडक्शन वाला कभी कभी धोखा खा जाता है एवरेज काउंट निकालने में उसे डिपेंड करता है समझ लो अपन तीन चार काउंट चला रहे हैं समझ लो बी में कोई मशीन बंद रहा सी में कोई बंद रहा तो बंद रहने से उसी काउंट का प्रोडक्शन घट जाता है तो एवरेज काउंट में फर्क पड़ जाता है तो हम अभी तीन काउंट का आपको बता रहे हैं एक बार आप देखिए जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं सारे रिम फ्रेम एक सेट में चौदह सौ चालीस पिंडल का सारे रिम फ्रेम 1440 पिंडल का लिया हुआ ये हो गया नोमिनल रैपिंग सबका पॉइंट फाइव ज़्यादा है बीस काउंट चौबीस काउंट तीस काउंट नोमिनल रैपिंग हो गया साढ़े बीस साढ़े छब्बीस साढ़े तीस नोमिनल रैपिंग का ऊपर ही अपन एवरेज काउंट निकालेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से एफिशिएंसी हमने पकड़ा बीस काउंट में नाइन्टी परसेंट चौबीस में नाइन्टी टू और तीस काउंट में नाइन्टी थ्री ये हो गया बेसिक आईडिया आपको डाटा तो उसमें क्या लिया मैंने देखो ए बीस काउंट हो गया बीस के डब्लू चार रिम फ्रेम लिया चौबीस के डब्लू आठ रिम फ्रेम लिया तीस के डब्लू बारह रिम फ्रेम लिया टोटल हो गया कितना चौबीस फ्रेम ठीक है चौबीस रिम फ्रेम जो लिया आप देखे एक बार मैंने एक आपको एग्जाम्पल के हिसाब से स्पीड वगैरह पकड़ा हुआ लेकिन आप लोग अपने हिसाब से जो स्पीड चलाते तो उसी हिसाब से लेना जैसे 20 काउंट का मैंने एवरेज पिंडल स्पीड 15,500 पकड़ा उन्नीस पॉइंट जीरो वन पकड़ा इसमें मैंने 4.2 का टी लिया हुआ ठीक है ऐसे ही 24 काउंट में 16,500 का एवरेज पिंडल स्पीड पकड़ा और टीपीआई 21.28 पकड़ा मतलब इस पर मैंने टी लिया हुआ 4.3 लिया हुआ उसके बाद देखिए 30 काउंट में मेरा 12 मैसेज हो गया 12 रेम प्रेम और अठारह का एवरेज पकड़ा हुआ एवरेज पिंडल स्पीड और टी पकड़ा हुआ 24.30 पॉइंट तीन जीरो इस पर भी अपन टी लिया 4.4 का तो टी के ऊपर भी और वो टी पी आई के ऊपर भी पड़ता है प्रोडक्शन का फर्क पड़ेगा इसलिए हम इसका पर फ्रेम इसका प्रोडक्शन निकाल देते टी पी आई और स्पिंडल स्पीड से जी पी एस निकाल दिए ग्राम्स पर स्पिंडल पर एट आवर वही वाला फार्मूला जो आपको पहले बताया था एवरेज स्पिंडल स्पीड इंटू सेवन पॉइंट टू डिवाइड बाई टी पी आई इंटू नोमिनल काउंट ठीक है तो वो जीपीएस निकाल देंगे ग्राम्स पर स्पिंडल तो मैंने इसको निकाल रखा ए स्पीड ए टी पे रहेगा तो दो सौ ग्राम का आठ घंटे का नेट प्रोडक्शन आएगा वही तो नाइन्टी परसेंट एफिशिएंसी अपने एफिशियंस भी पकड़ रखा है इसमें फिर चौबीस काउंट में क्या होगा दो ग्राम आएगा आठ घंटे का एक स्पिंडल में और उसमें भी मैंने एफिशिएंसी 92 परसेंट पकड़ रखा उसके बाद तीस काउंट में ए स्पीड ए टीपी में एक सौ ग्राम आएगा वो आठ घंटे का एक स्पिंडल का और उसमें अपन चौदह सौ चालीस पिंडल का है तो इसमें चौदह सौ चालीस अगर गुणा कर देंगे सब में चौदह सौ चालीस चौदह सौ चालीस तो आठ घंटे का प्रोडक्शन ए आ जाएगा काउंट वाइज ये बीस काउंट का आठ घंटे का प्रोडक्शन पर फ्रेम ये चौबीस काउंट का ये तीस काउंट का तो अपन पार फ्रेम निकालने के बाद में क्या होता है फिर देखिए टोटल प्रोडक्शन पर डे बीस काउंट का अपन ले लिए तीन सौ सत्तर के जी हो गया एक मशीन का आठ घंटे का तीन शिफ्ट हो गया ये हो गया शिफ्ट ये हो गया नंबर ऑफ फ्रेम चार फ्रेम तो अपन चौबीस बीस काउंट का चार हजार चार सौ चालीस के जी निकलेगा चौबीस घंटे में ये कैलकुलेशन ध्यान रखेगा तीन सौ सत्तर के जी हो गया आठ घंटे का प्रोडक्शन तीन हो गया शिफ्ट चार हो गया नंबर ऑफ मशीन तो चार हजार चार सौ चालीस के जी प्रोडक्शन हो गया चौबीस घंटे का ये हो गया चौबीस घंटे का ठीक है उसके बाद चौबीस काउंट का ऐसे ही तीन सौ बीस किलो हो गया आठ घंटे का तीन शिफ्ट का चौबीस घंटे का हो गया तीन मल्टीप्लाई कर दिए फिर आठ मशीन हो गया सात हज़ार छः सौ अस्सी किलो हो गया चौबीस काउंट का प्रोडक्शन ऐसे ही तीस काउंट का दो सौ चालीस के जी आएगा नैट आएगा और तीन शिफ्ट हो गया बारह मशीन हो गया आठ हज़ार छः सौ चालीस किलो आएगा तो ये टोटल कर देंगे एक दिन का बीस हज़ार सात सौ साठ के जी प्रोडक्शन आएगा चौबीस रेम फ्रेम का उसके बाद में बात आता है ये तो अपना प्रोडक्शन ले लिए चौबीस घंटे में इतना आएगा काउंट भी आपको मालूम है कौन सा काउंट का कितना आया और उसके बाद में नंबर ऑफ फ्रेम भी मालूम है तो उसका एवरेज काउंट निकालने के लिए देखिए बीस इंटू चौरालीस सौ चालीस के जी ये जो काउंट वाइज अपन प्रोडक्शन निकाले ना इसमें काउंट गुणा करने का बीस इंटू चौरालीस चालीस के जी फिर चौबीस इंटू सात हज़ार छः सौ अस्सी के जी फिर तीस इंटू आठ हज़ार छः सौ चालीस के जी ये क्या करना इसमें गुणा करने के बाद टोटल गुणा करने के बाद तीनों ऐड कर दीजिए ये प्लस हो जाएगा ये प्लस होने के बाद हो गया फाइव थ्री टू थ्री टू ज़ीरो वो जितना आया संख्या आया उसमें एक दिन का जो प्रोडक्शन वो डिवाइड करना एक दिन का प्रोडक्शन कितना हो गया बीस हज़ार सात सौ साठ के जी तो फाइव थ्री टू थ्री टू जीरो डिवाइड बाई बी बीस हज़ार सात सौ साठ तो ये पच्चीस पॉइंट छः चार आ गया एवरेज काउंट तो एवरेज काउंट का आपको समझ में कोई गड़बड़ नहीं रहेगा अगर इस हिसाब से अपन करेंगे और इसीलिए क्या करते हैं मतलब एवरेज काउंट अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा कोई तो फिर एवरेज प्रोडक्शन कितना आना चाहिए सब गड़बड़ हो जाता है इसलिए एवरेज काउंट सबको निकालना आना चाहिए मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा और पावर फ्रेम इसीलिए निकालते समझ लो चौदह से चालीस स्पिंडल किसी में नहीं है कि इसमें कम स्पिंडल है वो अभी के जब निकालेगा ना तो उसमें आ जाएगा तब तो उसमें भी एवरेज काउंट का फर्क पड़ जाएगा तो सारी चीज़ अफेक्ट करेगा नंबर ऑफ स्पिंडल टी और नोमिनल रपिंग ये सारी चीज़ ए ये सारी अफेक्ट करेगा एवरेज काउंट निकालने में इतना मैं ये टॉपिक समाप्त करता हूँ थैंक यू